Welcome to Yogic and Modern Science. Today, let us talk about black hole and time. Scientists say that near black hole, time dilates or time slows down. Now, let us understand from the yogic point of view, what is the relationship between time and black hole? Why time slows down near black hole? योगिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समय धीमा क्यों हो जाता है ब्लैक होल के नजदीक? ये ब्रह्मांड की जो ब्रह्मांड में ब्लैक होल है, है तो बहुत सारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल, मगर ब्लैक होल की गति के कारण, गति ब्लैक होल में वहां पे बहुत तेज गति है, इसलिए जहां तेज गति होती है वहां पर योगिक साइंस ये कहती है कि हम जो जीव आत्मा है और जीव आत्मा है और परम आत्मा है और परमात्मा है, ये तीन स्थिति है। तो जब परमात्मा जीव आत्मा की अपनी स्थिति है, जो चेतन प्रक्रिया है उसमें भी एक गति है, और जो स्पेस में गति है उसकी चेतना गतिमान है। इसके जब ये इसका एक भाग में जब इसके टुकड़े होते हैं तो एक भाग जब इसका है, जो आत्मा बना है, जो अंडाकार है, जो प्राकृतिक है, उसमें भी जो ये जीव आत्मा है ये अनेक हुआ है। तो एक अगर जीव आत्मा रहे तो वहां तो ना तो कोई टाइम है और ना ही वहां पर किसी तरीके की कोई आप बनाने की कोई बनाने को सकते हैं, निर्माण की कोई गतिविधि नहीं है, और वो किसी तरीके से प्रमाणित नहीं होता है। तो प्रमाण होने के लिए एक का दो होना जरूरी है, मगर दो होते समय इस चीज के लिए उसने जीव आत्मा ने ये बहुत एक अच्छा निर्णय लिया था कि वो दो एक दो के साथ साथ वो अनेक भी हुआ है, तो वो अनेक अपने अंदर हुआ है। तो जो अनेक हैं जीव आत्मा के अनेक उसमें जो रूप हुए हैं उन रूपों में गति है, वो साकार निराकार में उखड़ते डूबते हैं, उनमें एक गति है, मगर वो गति इतनी स्लो है कि अगर वहां यहां वहां के हिसाब से उनमें टाइम नहीं है, मगर यहां के हिसाब से अगर देखा जाए तो साई का हिसाब महसूस करोगे कि वो गति आपको बहुत तेज लगे तो वहां पर भी आपको टाइम नहीं है दिखाई देगा। और जहां परमात्मा की गति है वो तो है ही गति बहुत तेज, तो उसके तुलनात्मक जो है परमात्मा की गति बहुत तीव्र है, वहां गतिमान भी है और उसमें अधिक गति होने का वहां एक हों की आवाज भी है और उसमें एक प्रकाश भी तगड़ा है, तगड़ा प्रकाश है, इसलिए उसकी लाइनिंग नहीं दिखाई देती है, उसकी गति आवाज से पता चलती है कि इतनी गति तेज हो गई है। तो इस वजह से वहां पर भी टाइम अगर देखा जाए तो वहां पर भी टाइम की कोई गणना नहीं है। और अगर उनको तीनों को जो देख रहा है वो बिल्कुल प्योर चेतना है, मतलब एक शुद्ध चेतना है, उसका कोई आकार नहीं है और वो कोई साकार नहीं है और वो कोई निराकार नहीं है, वो किसी तरीके की नहीं है, वो जो चेतना एक ऐसी है, ऐसी स्थिति है कि वो अपने को अपने आप से देख रही है, वो जो है उसमें किसी तरीके का इतनी गतिमान है कि यहां जो ये निर्माण करेंगे यहां तो टाइम आका जा सकेगा। अगर ये दोनों तीनों मिलकर के जो निर्माण करेंगे वहां तो साइंटिस्ट है और साधु संत है, हम लोग हैं, घड़ी है, अब जो सब ब्रह्मांड और जगत बना है तो इसमें हम उनको तो टाइम को हम किसी घड़ी से नाप सकेंगे, टाइम को जान सकेंगे, इसका ज्ञान ले सकेंगे, मगर कहीं एक बार ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई साइंटिस्ट, ऐसा कोई महात्मा मुझे बताए या ऐसा कोई अनुभवी आंतरिक दृष्टि वाला बताए कि अगर दृष्टा जो है ये किस टाइम में है, तो उसकी गति वो प्योर शुद्ध चेतन है और बहुत संपूर्ण चेतन है, शुद्ध चेतन है, संपूर्ण चेतन है, उसमें किसी तरीके का कोई साकार निराकार नहीं है, इसलिए उसकी टाइमिंग कोई नहीं है और वो किसी भी बिना टाइम गमाए, जिसे जैसे टाइम जानते हो हम उसे क्या छोटा कहें कि अब सेकंड भी तो सबसे छोटा है, इसलिए हम तो उसे कहेंगे कि वो एक
मेरे आगे एक मिनट एक सेकंड में था और कितना टाइम लगा होगा और एक सेकंड में मेरे पीठ के पीछे चला गया। तो ये चीज मेरे को वहां पे ये समझ आई कि इसमें कोई टाइमिंग नहीं है और इसके लिए कोई वो रोक टोक नहीं है और ये टाइम उसके लिए है जिसकी गति धीमी है, उसकी तो गति तीव्र है, इसलिए उसमें कोई टाइम नहीं, वो शुद्ध चेतन है और संपूर्ण चेतन है। तो उसमें ये दृष्टा की एक इसमें बात आई है, तो चेतना की बात आई है। तो जहां ब्लैक होल में ब्लैक होल और हमारे सौर मंडल अगर इनके तुलनात्मक गति जहां तीव्र होती जाएगी, समय की घटना जरूरी हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि अगर बहुत तीव्रता में चले जाओगे जहां मैं बात कर रहा हूं वहां समय का आपको अनुभव और अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा, दोनों काम आपको भारी पड़ जाएंगे। तो ये जहां स्लो गति है वहां आप अपना टाइम देखिए और टाइम आप देखिए, जहां तीव्र गति है वहां नहीं आप कर सकते ये काम। That is to say, from the yogic science point of view also, when there is very very high speed, the higher than the speed of light, then time dilates. It means where there is black hole, due to the very very high gravitational force and very high mass, or you can say density, the force is so high that it can absorb light also, the speed of light also. So due to having very very high speed, time slows down and time dilates also. Thank you.